हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड वेलकम बैक ऑन लेडी मोमेंट्स, जहां मैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करती हूं जो कि आपके बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ बटन है उसको प्रेस करके ग्रे कर दें एंड नए नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो फिर चलिए आज की वीडियो के बारे में बात कर लेते हैं। आज की जो वीडियो होने वाली है वो मराठी लुक की वीडियो होने वाली है। ये मराठी लुक जो मैंने किया हुआ है उसके लिए मैंने कैसे मेकअप किया हुआ है यही होने वाला है आज की वीडियो में। और इसके लिए मैंने ये ग्रीन कलर की साड़ी पहनी हुई है और पर्ल वाले सारी ज्वेलरीज पहने हैं, पर्ल की नेकलेस, रिंग, ईयर रिंग भी है और ये नथ। ये मराठियों का बहुत ही लाइक उनका एक सिंबल कह लो, ये उनका ट्रेडिशन सिंबल होता है उनके लिए। ये बहुत ही ज़रूरी होता है उनकी शादियों में, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। और मैं कुछ दिन महाराष्ट्र में रह चुकी हूँ तो वहाँ के कल्चर को मैं थोड़ा बहुत जानती हूँ। और चूड़ियों में भी मैंने पर्ल की ये पहने हुए हैं और मुझे खुद को ये लुक बहुत अच्छा लग रहा है। होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेकअप के लिए भी मैं सबसे पहले आई मेकअप करूँगी और आई मेकअप में सबसे पहले आईब्रो से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आईब्रो को फिल कर लेंगे, देन आगे की प्रोसेस करेंगे। ये मैं अपने आईब्रो को फिल कर रही हूँ। फिर क्या करेंगे, कंसीलर से हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे दोनों ही आईब्रोज़ के ऊपर एंड नीचे। फिर उसको अच्छे से मर्ज कर लेंगे। इससे क्या होता है, हमारे आईब्रो जो और उभर के दिखती है, उसका जो कलर है वो और अच्छे से दिखता है। फिर उसके बाद आईलेट पे हम ये कंसीलर लगा के अच्छे से उसको ब्लेंड कर लेंगे। फिर लूज़ पाउडर से सेट कर लेंगे। फिर मैंने एक ऐसे पीच कलर की शेड ली है, बहुत ही लाइट है ट्रांजिशन कलर के लिए, क्रीज एरिया पे उसको लगाऊंगी मैं। फिर अच्छे से उसको मर्ज कर लेंगे। देन अब ये ग्रीन कलर लिया है मैंने, क्योंकि मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है, ग्रीन एंड मैजेंटा कलर की, तो ग्रीन कलर को अच्छे से ब्लेंड किया। देन ये मैंने थोड़ा सा उसमें शिमरी लुक के लिए उसमें गोल्डन कलर का आई शेडो लगाया। देन ये हाइलाइटर इनर कॉर्नर पे भी हाइलाइटिंग कर लेंगे, ब्राउ बोन पे किया। अब फिर ये लगाएंगे हम आईलाइनर, अच्छी विंग वाली आईलाइनर लगाएंगे, क्योंकि मराठी स्टाइल में ये जो ओवरऑल मेकअप है उसके साथ ये विंग वाली आईलाइनर बहुत ही अच्छी लगती है। इनर कॉर्नर में भी थोड़े से शेपिंग कर लेंगे। फिर ये आई मेकअप ऑलमोस्ट डन है, इसमें कुछ थोड़े बाकी है वो भी कर लेंगे। ये मैंने गुड वाइब्स का सिरम लगाया, फेस सिरम। अब NYBA का है ये प्राइमर, इसको लगा लेंगे। ये हमारा लाइक फाउंडेशन के लिए एक अच्छा सा बेस रेडी हो गया है। अब इसमें करेंगे, अब मेरा ये मेबलिन का ही फाउंडेशन है, इसको लगाएंगे। अब कंसील कर लेंगे अंडर आई एरिया और आपको जो हाइलाइटेड पॉइंट्स है वहाँ पे भी कंसीलर लगा लेंगे। और उसके बाद कॉन्टोरिंग भी साथ में कर लिया है। अब इन सबको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग अच्छे से होती है तो आपका मेकअप, आपका बेस मेकअप जो है वो केकी नहीं होगा। उसके बाद इसको लूज़ पाउडर से सेट करने के बाद मैं काजल अप्लाई करूँगी। काजल हो गया। अब क्या है, एक पतले ब्रश की हेल्प से लोअर लैश लाइन पे भी हम लगा लेंगे ये आई शेडो, ग्रीन आई शेडो। बहुत ही हल्का लिया है मैंने, बहुत डार्क नहीं करना था मुझे, तो बहुत ही लाइट ग्रीन, उसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। फिर इनर कॉर्नर की साइड मैंने गोल्डन वाली आई शेडो को लिया है, शिमरी गोल्डन, वो भी बहुत ही लाइट लिया है, मुझे बहुत हैवी नहीं चाहिए था लोअर लैश लाइन पे। फिर ऐसे ब्लश कर लेंगे, बहुत ही डार्क पिंक पिंक सा नहीं किया मैंने, बहुत ही लाइट सा पिंक किया है। फॉल्स लेसेस लगा लिए। फिर इसको जो रियल है लेसेस उस पर मस्कारा लगा के उसमें अच्छे से मर्ज कर लेंगे दोनों। फिर ये हाइलाइटर, जो भी हाइलाइटेड एरियाज होते हैं हमारे फेस पे उस पर हाइलाइटिंग करेंगे, और फोरहेड पे, अपर लिप्स, चिन पे, नोज़ पे,
अब क्या करेंगे, लिप की लाइनिंग कर लेंगे अच्छे से लिप लाइनर से। अब मैंने रेड कलर की लिपस्टिक सोच रखा है तो रेड लिपस्टिक अप्लाई कर लेंगे, उसके बाद सेटिंग स्प्रे से सेट कर लेंगे। ये रहा कंप्लीट लुक। मैंने इस लुक में सारे पर्ल की ज्वेलरीज ही पहने हुए हैं, पर्ल का नेकलेस, रिंग एंड ऑल।